आज मैं आप लोगों के साथ होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिना चीनी, बिना मावा, बिना सूजी और बिना चाशनी का परफेक्ट सुपर टेस्टी गुजिया बनाएंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गुजिया बनाने के लिए क्या करेंगे, आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर 3 कप मैदा ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर गेहूँ के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आधा गेहूँ का आटा और आधा मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 कप मैंने मैदा ले लिए। यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पर सूजी ले रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर नमक डाल देंगे और इसको मोइन करने के लिए पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको मोइन करने के लिए तेल या फिर घी का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर तेल डाल रही हूँ, तिल का तेल जो होता है उसी का यूज़ कर रही हूँ। तो इसको क्या करेंगे, डालने के बाद हाथों से अच्छे से इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मिलाएंगे ताकि ये जो तेल जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। आप यहाँ पे घी डाल रहे हैं तो उसको भी ऐसे ही करना है। तो देखिए मिलाने के बाद इसको हमें ऐसे बनाना है। उसके बाद नॉर्मल पानी डाल करके और इसका आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आटा गूंद के तैयार कर लिए। हमें ऐसे ही आटा गूंद के तैयार करना है। अब इसको साइड में किसी कपड़े से ढक के रख देंगे ताकि और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टोव पे पैन रख दिया और पैन में मैंने डाल दिए 1 बड़े चम्मच घी। घी हल्का मेल्ट हो गया है तब घी में क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने काजू और बादाम ले लिए। तो इसको क्या करेंगे, ये 1 कप काजू और 1 कप बादाम है। तो इसको क्या करेंगे कि हल्का कलर चेंज होने तक इसको भून लेंगे। तो इस तरह से घी में इसको अच्छे से भून लेना है। इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है। तो ऐसे हमें इसको भून करके तैयार कर लेना है। तो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो गया है, ये कुछ इस तरह से हो गया है। देखिए ये भून करके तैयार हो गया। अब इसको निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसी पैन में क्या करेंगे कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 बड़ा नारियल। सूखा नारियल को मैंने कद्दूकस कर ली है, ग्रेट कर ली है। तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, डाल करके और अच्छे से इसका कलर चेंज होने तक भूनेंगे। आप यहाँ पर कच्चे नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी ऐसे ही ग्रेट करके और इसको ऐसे फ्राई कर लेंगे हल्का सा। तो देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है। इस तरह से हमें इसको भून करके तैयार कर लेना है। तब ये नारियल भी अच्छे से भून गया है, अब इसको भी निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे ले ली है थोड़ा सा पनीर, लगभग आधा कप के करीब मैं यहाँ पे पनीर ले रही हूँ। और पनीर को 2 मिनट तक हल्के धीमी आँच पे इसको भूनेंगे, ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं भूनेंगे, नहीं तो पनीर जो है कड़ा हो सकता है। तो इसको 2 मिनट भूनने के बाद अब इसी में क्या करेंगे, मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 कप गुड़ का जो पाउडर होता है, जागरी पाउडर, उसका यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें 1 कप मैं डाल दे रही हूँ और इसको डाल करके अच्छे से धीमी आँच पे इसको अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ी देर में देखेंगे गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाता है। देखिए कुछ इस तरह से हो गया है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि मावा वाला फ्लेवर लाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर कि मैं आधा कप ले रही हूँ मिल्क पाउडर। आप कोई सा भी मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। मिल्क पाउडर डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद आप देखेंगे ये कुछ इस तरह से हो जाता है। देखिए पूरा ये गीला गीला सा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि जो नारियल को मैंने भुनी हुई थी इसमें डाल देंगे। तो डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आँच को धीमा रखेंगे, धीमी आँच पे इसको हमें पकाना है। तो ये देखिए नारियल भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। अब क्या करेंगे कि जो हमने ड्राई फ्रूट्स को भुनी हुई थी इसको क्या करेंगे, किसी भी भारी चीज़ से ऐसे दबाएंगे तो ये अपने आप ही टूट जाता है। इसको मिक्सी जार में नहीं पीसेंगे, नहीं तो ज़्यादा वो महीन हो जाता है। इस तरह से दरदरा हमें इसको कूट लेना है। उसके बाद इसमें डाल देंगे, देखिए मैंने डाल दी है यहाँ पर। अब इसमें थोड़ा सा डाल देंगे इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर से बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है, इसलिए इसमें डालेंगे। और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इधर अपना आटा भी चेक कर लेते हैं। तो आटा एकदम से सॉफ्ट हो गया है। देखिए अब इसमें थोड़ा सा ऐसे लोई लेंगे और इसको गोल करेंगे और इसको अच्छे से हमें इसको रोल कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने इसका इस तरह से रोटी के जैसा रोल मैंने कर लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि गुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे साचा का यूज़ कर रही हूँ। तो साचा में थोड़ा सा तेल लगा देंगे और उसके बाद ये रोटी उठा के इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। और जो भी इसका स्टफिंग मैंने तैयार की हुई है इसमें क्या करेंगे कि डालेंगे, कम या ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। देखिए तो जितना सच्चा है उसके अनुसार ही डालें, नहीं तो फिर ये निकल सकता है। तो इस तरह से करेंगे और साइड साइड में थोड़ा सा पानी लगा देंगे। उसके बाद इस तरह से हल्के हाथों से इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा है आटा इसको निकाल लेंगे इस तरह से। उसके बाद धीरे से ऐसे
उसका ढक्कन इससे इस तरह से खोलेंगे तो एकदम परफेक्ट गुजिया बन करके तैयार हो गया है। देखिए, अगर आपके पास साँचा नहीं है, बिना साँचे का बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बहुत ही आसान होता है बनाना। क्या करेंगे, सिंपल इसे इसको हाथों पे ऐसे लेंगे, इसमें जो भी मिश्रण बनाई हुई है इसमें डालेंगे और दोनों तरफ साइड में पानी लगा देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। और इस तरह से अपने दोनों हाथों से इसको अच्छे से ऐसे दबाएंगे, इसमें पानी लगाएंगे तो ये अच्छे से पूरा चिपक जाता है। उसके बाद अगर इसका डिजाइन बनाना है तो इस तरह से देखिए, हाथों से ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मोड़ेंगे तो एकदम बढ़िया से डिजाइन बन करके तैयार होता है। तो देख सकते हैं कि बिना सांचे का भी एकदम परफेक्ट डिजाइन का गुजिया बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से जितने सारे आटा बचे हुए हैं सब आटे को ऐसे ही गुजिया बना करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे गुजिया को इस तरह से साँचा में ही मैंने बना ली है। उसके बाद यहाँ पर स्टोव पर मैंने तेल रख दिए गर्म होने के लिए, और तेल भी गर्म हो गया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक एक करके गुजिया इसमें डालेंगे और डाल करके इसको अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। इसको धीमी आँच पर ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ पर नहीं करेंगे। तो इसका एकदम से गोल्डन कलर में आ जाए, कलर चेंज है, वैसे हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है इस गुजिया को। तो ये देखिए, यहाँ पर ये कलर चेंज हो गया है, एकदम से बढ़िया सा कलर आ गया है, एकदम बढ़िया से फ्राई भी हो गया है। तो ये गुजिया फ्राई हो गया है तो इसको निकाल लेते हैं। एकदम परफेक्ट गुजिया बन करके तैयार हुआ है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर प्लेट में भी रख लिया है एकदम बढ़िया से, और इसको देखिए मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल लिया, इसको थोड़ा सजा ली है। और चलिए इसको एक तोड़ के दिखा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तोड़ने के बाद देख सकते हैं पूरा इसका जो स्टफिंग मैंने बनाई हुई है एकदम परफेक्ट बना है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा खाने में। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और गुजिया की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।